develop the condition such that two quadratic equations ax square plus bx plus c equal to 0 and a dash x square plus b dash x plus c dash equal to 0 have both roots common. हमें ये कंडीशन डेवलप करनी है कि कब मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो. ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस बात की क्या कंडीशन होगी कि ऑब्वियसली ए एंड ए डैश दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं. फर्स्ट के दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेकंड के दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस बात की क्या कंडीशन होगी कि फर्स्ट के दोनों रूट्स एंड सेकंड के दोनों रूट्स कैसे हों सेम. तो एक आसान सी अप्रोच ये हो सकती है कि लेट मैंने क्या किया कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स मान लिए. अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है तो ऑब्वियसली वो दूसरे के भी रूट्स होंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम बात करते हैं तो अल्फा सम ऑफ रूट कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी बाई ए. ठीक है, एंड अल्फा बीटा कितना आएगा, सी बाई ए. सेकेंड इक्वेशन से अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी डैश बाई ए डैश. एंड अल्फा बीटा कितना आएगा, सी डैश बाई ए डैश. लेकिन इन चारों इक्वेशन की हेल्प से मैं आसानी से कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि माइनस बी बाई ए इसके बराबर आ गया माइनस बी डैश बाई ए डैश एंड सी बाई ए किसके बराबर आ गया, सी डैश अपॉन ए डैश. इन दोनों की हेल्प से ये साइमल्टेनियसली वैलिड हों दोनों इक्वेशन, तो काफी आसान सा रिजल्ट है जो कि हमने डेवलप कर लिया है. और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां से क्या आ जाएगा, ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, बी अपॉन बी डैश किसके बराबर आ गया, बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू ए अपॉन ए डैश इक्वल टू सी अपॉन सी डैश. जब जब मेरे पास कोफिशियंट्स के रेशियो सेम होंगे तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे होंगे, सेम आएंगे. इनफैक्ट अगर दोनों रूट सेम है तो मैं ऐसे मान सकता हूं कि एक्सप्रेशन में भी डिफरेंट लेकिन इक्वेशन कैसी होती है, एग्जैक्टली सेम होती है. इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब जब मेरे पास ऐसा होगा तो ए डैश को क्या लिख सकता हूं, मैं ए को लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स ए डैश एंड बी को लिख सकता हूं लैम्डा टाइम बी डैश एंड सी को लिख सकता हूं लैम्डा टाइम सी डैश. तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे. आप एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो इसके बारे में बात कर रहा हूं तो इसके रूट से मेरे पास टू और माइनस टू. अगर थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो के बारे में बात कर रहा हूं तो भी इसके रूट से ही एक्सप्रेशन में भी डिफरेंट एक्सप्रेशन. अगर मैं सेवन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर के बारे में बात कर रहा हूं तो भी रूट्स टू एंड माइनस टू ही हैं. या माइनस टेन इंटू फोर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो के बारे में बात कर रहा हूं तो इन सभी इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है लेकिन इक्वेशन कैसी है, सेम है. सेम इन सभी में जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर का जो ये जो रूल है बी अपॉन बी डैश इक्वल टू ए अपॉन ए डैश इक्वल टू सी अपॉन सी डैश जरूर वैलिड होगा. तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर रूट सेम है तो जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन सेम हो. एक्सप्रेशन में भी डिफरेंट लेकिन रूट सेम हो सकते हैं. जैसे यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एंड सेवन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये सभी डिफरेंट है लेकिन जो रूट्स हैं रूट्स क्या है टू और माइनस टू. तो फाइनली जो रिजल्ट है मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, किन्हीं भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सप्रेशन डिफरेंट है तो भी वो इक्वेशन सेम हो सकती हैं, दोनों के दोनों रूट सेम हो सकते हैं. और उसके लिए रिक्वायर्ड एंड सफिशियंट कंडीशन क्या है, कोफिशियंट्स के रेशियो कैसे होने चाहिए सेम.
b upon b dash equal to a upon a dash equal to c upon c dash. चाहे रूट्स रियल हों, नॉन रियल हों या कुछ भी हों, अगर कोफिशिएंट्स के रेशियो मेरे पास सेम है तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों जो रूट्स हैं वो नेसेसरली कैसे होंगे, सेम होंगे. दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, सेम आएंगे. बात समझ में आ गई है, ठीक है ना. यहां पर ये भी ध्यान रखा जा सकता है, जैसे जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं, जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो नॉन रियल रूट्स कंजुगेट पेयर की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं. मतलब लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, साथ में दिया है कि ए बी सी रियल है और इसका एक रूट क्या है, टू प्लस रूट थ्री है, टू प्लस आई थ्री आई है, और ये किसी दूसरी इक्वेशन से कॉमन है तो ऑब्वियसली इसका दूसरा रूट भी क्या आएगा, टू माइनस थ्री आएगा. तो इस बात का भी हम ध्यान रख सकते हैं. और कॉफिशियंट्स अगर रियल है तो नॉन रियल रूट्स कंजुगेट पेयर की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, कॉफिशियंट अगर रैशनल है तो इरेशनल रूट्स कंजुगेट पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अगर टू प्लस रूट थ्री एक रूट है तो दूसरा रूट क्या आएगा, टू माइनस रूट थ्री. तो इस बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि मान लो कोई दो इक्वेशन दिए हैं और ये दिया है कि कोफिशिएंट्स उनके रियल हैं दोनों इक्वेशंस के और उनका एक रूट कॉमन है टू प्लस थ्री आई, तो हम ये कंक्लूजन अपने आप ही निकाल सकते हैं कि दूसरा रूट भी कितना आएगा, टू माइनस थ्री आई आएगा, दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे. दूसरी बात यह, हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, साथ में ये भी दिया है कि कोफिशिएंट उनके रैशनल है और ये दिया है कि एक रूट टू प्लस रूट थ्री है, तो दूसरा रूट भी कॉमन होगा जो कि क्या होगा, टू माइनस रूट थ्री. कंसेंट्रेट करिए, इस फर्स्ट केस में क्या है, कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए रियल एंड सेकंड में कैसे होने चाहिए रैशनल, ये रिजल्ट भी हम ध्यान रख सकते हैं. लेकिन जो मेजर हमारी जो प्रॉब्लम है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो, इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन होते हैं अगर कोफिशिएंट के रेशियो कैसे हों, सेम. ठीक है, ओके.